सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, कृषि मंत्री तोमर ने सांसदों के लिए की लंच की व्यवस्था। दिल्ली के एलजी ने आप से 97 करोड़ वसूलने के दिए आदेश, विज्ञापन घोटाले से जुड़ा है मामला। अमरावती के उमेश की हत्या, तबलीगी जमात की कार्रवाई, एनआईए चार्जशीट पे खुलासा, पैगंबर पर टिप्पणी के बाद गला काट दिया था। राहुल के मेहमानों से हरियाणा बीजेपी में टेंशन, भारत जोड़ो यात्रा में 200 वीआईपी गेस्ट बुलाए। बाल बाल बचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, गुरुग्राम के एमपी पर चलती मर्सिडीज का शॉकर टूटा। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने प्रोटोकॉल तोड़ा, अगरतला में खुद कार ड्राइव कर फुटबॉल फैंस के साथ मैच देखने पहुंचे। हरियाणा के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सीएम को राक्षस कहा, भगवा कपड़े पर बघेल के बयान से भड़के विज। पीएम मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा। नफरत के बाजार में आपकी दुकान खानदानी है, 1984 सिख विरोधी दंगों के लिए कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को ठहराया दोषी। पश्चिम बंगाल के बोगतोई हिंसा के मुख्य आरोपी की पत्नी ने सीबीआई अफसरों पर लगाया चोरी का आरोप, एक हफ्ते में 2 बार दर्ज कराई शिकायत। स्मृति की राहुल सोनिया को सलाह, कहा आपको और मम्मी जी को अपने स्त्री विरोधी गुंड के लिए नई स्पीच राइटर की जरूरत। कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या में शामिल था। कर्नाटक में हलाल मीट बैन करने की तैयारी, विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। भाजपा नेताओं के घर से कुत्ता तक नहीं मरा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले देश के लिए हमने जान दी, वे हमें देशद्रोही कहते हैं। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा राहुल जी अमेठी से लड़ना पक्का समझो, दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे। पूर्व विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय, माविया अली ने 2017 में देवबंद में तय अवधि से अधिक समय तक सभा की थी। चार साल से मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं, मंत्री के मुताबिक घाटे की वजह से नहीं हो सकी भर्ती, परिवहन विभाग को निजी हाथों में देने की सुगुगाहट। यूपी में व्यापारिक संबंध मजबूत करेगा फ्रांस, लैपटॉप टैबलेट के क्षेत्र में निवेश करेगी थॉमस कंप्यूटरी। फीका पड़ा बरेली के झुमके का रंग, 54 साल बाद मिला था बरेली का झुमका, आज फाक रहा धूल मिट्टी।
भगवा पर प्रहार, सनातन को मिटाने की है साजिश। छत्तीसगढ़ के सीएम पर हिंदू महासभा ने किया पलटवार, बोले अगर साक्ष्य है तो कार्रवाई करें। चलती बस में 25 साल के युवक की मौत, आसपास बैठे यात्रियों को लगा कि सो रहा है, मां से मिलने बदायूं जा रहा था। लखनऊ में रिटायर आईजी के घर घुसे बदमाश, आहट पाकर भागे, 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर। बेटे के स्टेशन पर छूटने से ट्रेन से कूदी मां, गंभीर हालत में महिला को झांसी किया गया रेफर, बेटों के साथ जा रही थी बांदा। गोरखपुर में रैन बसेरों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी, ठंड से ठिठुर रहे लोगों को बांटे कंबल, पूछे कोई दिक्कत तो नहीं, यहां आना कैसे हुआ। हाथरस में कोहरे के कारण दीवार से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ब्लैकमेलिंग से तंग 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया, गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय ने दोस्ती करके बनाई अश्लील वीडियो, फिर दोस्तों को भेज दी। मोबाइल चोरी के आरोपी की प्लास्टिक सर्जरी, जीआरपी के हवालात में किया था आत्मदाह, लखनऊ में इलाज। आगरा के पिनाहट में कोहरे में स्कूल वैन टैंकर में कोहरे के चलते हुआ हादसा, आधा दर्जन बच्चे घायल, मची चीख पुकार। अंबेडकर नगर में एसडीएम बलिया से ईओ गिरफ्तार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, अपने रिश्तेदारों को मकान देने का है मामला। सुल्तानपुर में हुए इब्राहिमपुर कांड में बड़ी कार्रवाई, मदरसा प्रिंसिपल और मौलाना पर लगा एनएसए। बरेली में सड़कों पर अतिक्रमण का कब्जा, शहर में 15 दिन तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। नामी कंपनी का ट्रेडमार्क लगाकर बेच रहे कपड़ा, शाहजहांपुर में पुलिस ने मारा छापा, नकली जींस टी शर्ट बरामद, मुकदमा दर्ज। श्रावस्ती में महिला पर धारदार हथियार से हमला, खेत गई थी, लौटते समय पीछे से आरोपी ने किया वार, बहराइच रेफर। गाजियाबाद में महंत को सिर से कलम करने की धमकी, सिलीगुड़ी के एड्रेस से भेजी चिट्ठी, तू जल्दी मिटने वाला है। फिरोजाबाद के वकील हत्याकांड का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री परिवार को सौंपेंगे आर्थिक मदद का चेक। बीएचयू में रैगिंग की कार्रवाई पर भड़के छात्र, कहा हमने नहीं ली रैगिंग रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। रात्रि 11 बजे के बाद नहीं चलेगी रोडवेज बस, बढ़ते कोहरे के कारण लिया गया फैसला, जरूरत पड़ने पर ही होगा संचालन। बस्ती में बंधा टूटने से 500 बीघा खेत जलमग्न, गेहूं की बुनाई के बाद फसल डूबने से मेहनत पर फिरा पानी, मदद की गुहार। शामली में खुले आसमान के नीचे पढ़ते मिले बच्चे, ठंड में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने स्कूल पहुंचे विधायक, बोले ये देखकर दुख हुआ। बिजनौर में आरपीएफ जवान के घर चोरी, ताला तोड़कर लाखों के जेवर समेत नकदी उठा ले गए बदमाश, खाली डिब्बे बाहर फेंके।
औरैया में घने कोहरे होने के कारण नहर के डिवाइडर से टकराई कार, सभी लोग कार में सवार बाल बाल बचे, बड़ा हादसा होने से टला। अयोध्या में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 टोल प्लाजा के 8 नंबर बूथ पर पलटी बस, हादसे में लगभग 15 लोग हुए घायल। बुलंदशहर में कड़कड़ाती सर्दी और कोहरे में गश्त पर निकले SSP श्लोक कुमार ने पैदल गश्त कर गुलावटी कस्बे का लिया जायजा। एडीजी के जाते ही SSP का हुआ तबादला, एडीजी जोन ब्रजभूषण के निरीक्षण के बाद एडिशनल SP का हुआ तबादला। लखनऊ के राजाजीपुरम के ई ब्लॉक में 3 मंजिला मकान में लगी आग, दूसरी मंजिल से आग तीसरी मंजिल तक पहुंची। उत्तराखंड के होईवाला में देर रात हाथी ने मचाया उत्पात, कोटद्वार में एक महिला को उतारा मौत के घाट। देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात, हथौड़ा मारने पर भी नहीं मरी तो पत्नी को लगाया जहर का इंजेक्शन। दसवीं और बारहवीं के बाद उत्तराखंड के विद्यार्थियों को देनी होगी नई परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने बताया प्लान। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की हुई बैठक, मसूरी चिंतन शिविर में प्रस्तुत प्रस्तावों पर लगा मुहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 9 नगर निकायों को दिए अटल निर्मल नगर पुरस्कार की पुरस्कार धनराशि 2 करोड़ करने की घोषणा। उत्तराखंड के टेहरी में झील से जुड़ेगी 35 किलोमीटर लंबी सुरंग, महज 1 घंटे में तय होगा सफर। उत्तराखंड में दोस्त संग उसकी प्रेमिका से मिलने हरिद्वार आया युवक, हुआ था लापता, नहर में मिला शव, सदमे में स्वजन। देहरादून में भर्ती परीक्षा देने आई युवती लौटते वक्त हुई हादसे के शिकार, रोडवेज बस ने कुचला, दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में युवक ने खेत में खाया जहर, फिर दोस्त को कॉल कर दिया, बैंक खाते का पासवर्ड बताया अपनी मौत का सच। निलंबित IFS किशन चंद को हाईकोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं, सुनवाई 3 जनवरी को। नेपाल की ओर से भारत में फिर हुआ पथराव, धारचूला में काली नदी पर तटबंध निर्माण कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिला अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए। उत्तराखंड के मसूरी के कंपनी गार्डन में बिछी पाले की सफेद चादर, क्रिसमस के बाद बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड सीएम धामी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दी सौगात, सस्ते मकान के साथ मिलेगा 5,000 का सामान। सीएम धामी दरबार में पहुंचा अतिथि, शिक्षकों का मामला कैबिनेट में प्रस्ताव आया लेकिन नहीं हुआ शासनादेश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बढ़ सकती है स्थायी सदस्यों की संख्या, महासचिव गुटेरेस ने की पुष्टि।
यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन प्रमुख गुटेरेस का बयान, बोले निकट भविष्य में यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। व्लादिमीर पुतिन के बेलारूस दौरे पर रूसी ड्रोन का कवी पर हमला, यूक्रेन की बढ़ी टेंशन। यूएस में फिल्म निर्माता हार्वे वेस्टेन की बड़ी मुश्किलें, दुष्कर्म और दो अन्य यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में विस्फोट, मोटरसाइकिल में लगाया था बम, 13 घायल। अमेरिकी संसद में हिंसा के जिम्मेदार ट्रंप, 1000 चश्मदीदों के बयान के बाद जांच कमेटी बोली राजद्रोह का केस चले, ट्रंप बोले सब फर्जी। रूस ने ईरानी सुसाइड ड्रोन से किया कीव पर हमला, पावर स्टेशनों को बनाया निशाना। इमरान का वादा, सत्ता आने पर बाजवा पर एक्शन नहीं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम बोले उनकी साजिश से ही सरकार गिरी, पर यह मेरा निजी विवाद। चीन में कोरोना की 3 लहरें आएंगी, अगले साल 10 लाख मौतों की आशंका, लोग फिर भी वैक्सीन से हिचकिचा रहे हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस बोले ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी। ट्विटर पर पीएम मोदी का ब्लू टिक ग्रे हुआ, सरकारी ट्विटर अकाउंट्स को मिला ग्रे वेरिफाइड टिक। सैमसंग ने लॉन्च किए 2 सस्ते स्मार्टफोन, 50 MB कैमरे के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर्स। कतर वर्ल्ड कप 2022 में फीफा मालामाल, फीफा ने राइट्स और टिकट सेल में 61.97 हजार करोड़ रुपए कमाए। गूगल फाइल से भी डिजी लॉकर में कर सकेंगे एक्सेस, डिजी लॉकर में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सेव। सस्ता सोना खरीदने का मौका, सॉवरेन गोल्ड ब्रांड में लगा सकते हैं पैसा, 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5,409 रुपए। ईडी ने NSCNIM कोषाध्यक्ष व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। पीएनबी और इंडियन बैंक ने एफडी पर बढ़ाया 0.95% तक ब्याज, 10 साल में सबसे कम होगा बैंकों का एनपीए। जुलाई सितंबर तिमाही में 78,000 लोगों को मिला अस्थायी रोजगार, पिछली तिमाही के मुकाबले 6% ज्यादा। चीन को झटका, भारत एप्पल का पसंदीदा निर्माण केंद्र, विदेशी कंपनियों के लिए बना आकर्षक बाजार। जीएसटी अधीक्षक 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार, सीबीआई ने की कार्रवाई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में पहली बार क्लीन स्वीप किया, कराची टेस्ट में 8 विकेट से हराया। जीत का जश्न, व्यूनस आयर्स ने मनाएगी अर्जेंटीना टीम, मेसी की पत्नी एंटोनेला बोली हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा पर बड़ी बोली लगा सकती है मुंबई इंडियंस। ऑक्शन में हो सकती है पैसों की बारिश। यूएई की टी20 लीग में नजर आएंगे उथप्पा और यूसुफ पठान, दुबई कैपिटल्स की ओर से संभालेंगे मैदान। डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा इंग्लिश गेंदबाज बने रेहान अहमद, विश्व में हासिल किया 6ठा मुकाम। फीफा की टीम ने रोनाल्डो, नेमार नहीं मेसी, एम्पापे, वर्ल्ड जीतने वाली अर्जेंटीना के 2, हारने वाले फ्रांस के 4 खिलाड़ी। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा के तैयार, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की बोले ट्रैक फ्लिकर चले तो भारत को चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में एक कैच लेते समय चोटिल हुए थे। नेशंस कप जीतकर लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम, एयरपोर्ट से चैंपियन सॉन्ग पर डांस करते निकली खिलाड़ी। क्रिकेट फुटबॉल के ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिसा रिचर्ड जैसे खिलाड़ी दोनों खेल प्रोफेशनल स्तर पर आजमा चुके हैं। गर्लफ्रेंड और बेटों के साथ वेकेशन पर जा रहे ऋतिक एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। सिंपल शादी पर देवोलीना ने तोड़ी चुप्पी, बोली यह सब दिखावा होता है, मुझे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। हंसिका मोटवानी ने शेयर की अपनी हल्दी की फोटोज, रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा ने किया लेटेस्ट फोटोशूट। देवी पर आपत्तिजनक कमेंट से भड़के लोग, इवेंट के दौरान कन्नड़ एक्टर दर्शन के मुंह पर फेंकी चप्पल। साल की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी KGF 2, चैप्टर एक दिन में बिके 2.14 मिलियन टिकट। KGF स्टार यश ने 700 फैंस के साथ खिंचाई सेल्फी वीडियो, देख यूजर्स बोले आप हो इंडियन सिनेमा के असली गेम चेंजर। डेविन जॉनसन ने गोद में ली फैंस की छोटी बच्ची, द रॉक के इस क्यूट वीडियो पर फैंस बोले बाहुबली का हॉलीवुड वर्जन। कैप और मास्क से चेहरा छिपाकर एयरपोर्ट पहुंची शहनाज गिल, कतर से वापस लौटे रणबीर सिंह। प्रभास से शादी को लेकर पूछा गया सवाल, बोले सलमान खान के बाद ही करूंगा अपनी शादी, कृति सैनन के साथ जुड़ चुका है नाम। ऐश्वर्या राय ने खींची रणबीर सिंह की नाक, प्रो कबड्डी लीग में हुए शामिल, दोनों की क्यूट बॉन्डिंग पर फैंस को आया प्यार। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।